अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश सत्तैते चिरजीविनः। चिरजीवी भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान परशुराम भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार, सात चिरंजीवियों में से एक, जो कलयुग के समय आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया, जो अक्षय पुण्य हमें प्रदान करती है, और साथ ही भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है। इसी दिन भगवान परशुराम का प्राकट्य इस भारत भूमि पर हुआ था। आइए भगवान परशुराम के बारे में कुछ कथाएं जान लेते हैं। भगवान परशुराम का जन्म बैसाख मास की तृतीया तिथि के दिन, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। अक्षय तृतीया में जो भी दान धर्म किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है, यानी कि जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता। इनके जन्म के समय को सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है, और भगवान शिव के परम भक्त परशुराम को न्याय के देवता का भी स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कि इन्हें परशुराम क्यों कहा जाता है। भगवान परशुराम के पिता का नाम मुनि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। एक बार अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने अपनी मां की हत्या कर दी थी। इस कारण इन पर मातृ हत्या का पाप लगा था, जिसका पश्चाताप करने के लिए इन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी, और साथ ही अपने पिता से भी वरदान मांगा था कि हमारी माता को ये पता ना चले कि हमने उनका सिर काटा था और उनका सिर टूट जाए। जब पिता ने कहा मुझसे वर मांगो, तो यही वर मांगा था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें परश नामक अस्त्र दिया था, और इस परश नामक अस्त्र को धारण करने से इसका नाम परशु पड़ा। और भगवान परशुराम थोड़ा उग्र स्वभाव के थे, और इनके संबंध में कथा है, पौराणिक कथा, कि एक बार जब भगवान परशुराम जी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर पहुंचे, तो भगवान गणेश जी उन्हें शिव से मुलाकात करने से रोक रहे थे। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने अपने फरसे से ही गणेश भगवान का एक दांत तोड़ दिया था, और वो गणेश भगवान एक दंत कहलाए। भगवान परशुराम और त्रेता और द्वापर दोनों युग में मौजूद रहे। महाभारत में भगवान परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण की लीला देखी तो, और वहीं उन्हें सुदर्शन चक्र भी जमदग्नि मुनि के आश्रम पर ही सौंप दिया, जब वो विद्या प्राप्त करके अपने घर जा रहे थे। महाभारत काल में कुंती के पुत्र सूर्य भगवान के पुत्र कर्ण परशुराम भगवान से झूठ बोलकर उसे शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान परशुराम को जब पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस विद्या को झूठ बोलकर तुमने प्राप्त किया है, वही विद्या युद्ध के समय जब तुम्हें काम उसका होगा तब तुम भूल जाओगे, और यही कर्ण की मृत्यु का कारण भी बना। भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से भिन्न कर दिया, जो उदंडी राजा थे उनका वध किया। और भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी अक्षय तृतीया को होता है, और अक्षय तृतीया यानी भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के समय ही कहते हैं कि गंगा माँ का प्राकट्य इस भारत भूमि पर हुआ था। इसी दिन सतयुग त्रेता का संधि काल भी कहा जाता है। इस दिन जो भी दान पुण्य धर्म किया जाता है वह सब अक्षय होता है, और श्री बांके बिहारी के चरण कमल के दर्शन केवल अक्षय तृतीया को ही होते हैं। इसलिए ये बड़ी पुण्य तिथि है, और इस पर आप सभी भगवान परशुराम की आराधना करें। अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पुण्य प्राप्त करने के लिए कथा सुने, और साथ ही कुछ सत्कर्म, गीता, श्रीमद्भागवत और रामायण महाभारत जो भी आपसे बन पड़े, भगवान के नाम का संकीर्तन इत्यादि करिए। गरीबों को, ब्राह्मणों को आप दान दीजिए, जो भी कर पाए अच्छा, क्योंकि इसमें जो भी पाप पुण्य किया जाता है उसका फल कभी नष्ट नहीं होता, तो पाप करने से बचें और पुण्य करें। और एक बार फिर से आप सभी को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामना। जय श्री राम।